देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं SGN News, मैं हूं चांदी। अक्षर रत्न से सम्मानित कस्बा के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी निभा पाल की सेवा निवृत्त पर शिक्षकों ने दी ऐतिहासिक विदाई एवं सम्मान। नम आंखों से दी गई प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को विदाई। इस मौके पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी की आंखें नम दिखाई दी। सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाओं के बहते आंसुओं के बीच सम्पन्न हुआ विदाई समारोह। कस्बा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर स्थित स्टेडियम में कस्बा के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी श्रीमती निभा पाल की विदाई सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी मिथिलेश कुमार के अलावा RDD कार्यक्रम पदाधिकारी एवं उज्जवल सरकार माध्यमिक शिक्षक संघ के सचिव सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता RDD प्रकाश चंद्र झा ने की। समारोह को संबोधित करते हुए RDD प्रकाश चंद्र झा ने श्रीमती निभा पाल को कार्य करते रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि श्रीमती पाल अभी भी काफी ऊर्जा में, जिसका उपयोग अन्य संस्थाओं में किया जा सकता है। उनकी कार्यशैली उन्हें एक विशिष्टता प्रदान करती है। श्रीमती पाल हमेशा अपनी कार्य क्षमता के अनुरूप अपना शत प्रतिशत विभाग को दी है। उनकी प्रशासनिक क्षमता में प्रेम और अनुशासन दोनों ही समाहित है। यही कारण है कि वो न सिर्फ शिक्षा विभाग में ही बल्कि पूरे कस्बा प्रखंड में अपनी गहरी पेठ रखती हैं। वही समारोह को संबोधित करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी मिथिलेश कुमार ने कहा कि निभा पाल का कार्यकाल बिना किसी आरोप तथा विवाद के बीता। इनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारी बारिश के बावजूद भी हजारों लोग इनको विदाई देने आए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि निभा पाल की जरूरत अभी भी विभाग को है। श्रीमती पाल एक कर्मठ महिला पदाधिकारी के रूप में जानी जाती थी। उनके जाने के बाद उनकी कमी का एहसास विभाग को हमेशा सताता रहेगा। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए कई शिक्षक व शिक्षिका श्रीमती पाल के कार्यकाल को याद कर रोने लगे, तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी अपने आंसुओं को गिरने से नहीं रोक पाए। समारोह को संबोधित करते हुए उप प्रमुख सह प्रमुख जिला संघ अध्यक्ष मोहम्मद इरफान ने कहा कि आज कस्बा से एक स्वच्छ, ईमानदार तथा निर्भीक पदाधिकारी हम लोगों के बीच से जा रहे हैं, जिसकी कमी हम लोगों को हमेशा खलती रहेगी। विदाई समारोह के मौके पर BO निभा पाल ने भावुक होते हुए कहा कि 10 साल का कार्यकाल कैसे बीता हमें मालूम ही नहीं। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों से काफी स्नेह, प्यार, आशीर्वाद, सहयोग तथा सम्मान मिला है। इसी का नतीजा है कि आज मैं सरस्वती तथा लक्ष्मी की धरती कस्बा से निर्विवाद विदा लेकर जा रही हूँ। हम विभाग में आए हैं तो सेवानिवृत्त होंगे। आज के दौर में सफलता पूर्वक बिना आरोप का बहुत हमेशा दुख दर्द में माँ की आवाज पर प्यार की पुकार लगाए और हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल के अपने प्रखंड का ही नहीं, अपने राज्य का ही नहीं, अपने देश का ही नहीं, अपने संसार का नाम ऊंचा कर सकूं। ये आप सबों का अगर प्यार रहेगा तो कोई छोटा नहीं होता। चींटी भी हाथी को पस्त कर सकता है। तो हम लोग छोटा नहीं है, शिक्षक और शिक्षिकाएं सभी पूरे देश का नाम रोशन कर सकते हैं, पूरे संसार का। हम लोग यहाँ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कस्बा श्रीमती निभा पाल जी के विदाई समारोह में आए हैं। आज वो सेवानिवृत्त हो चुकी हैं 21 को ही। आज उनके सम्मान में उनके कार्यशैली को देखते हुए हम लोगों ने, सभी शिक्षकों ने मिलकर एक साथ उन्हें सम्मानित करने का फैसला किया। शिक्षकों के प्रति उनका रवैया काफ़ी अच्छा था और वे काफ़ी सहिष्णु पूर्वक जो है काम करती थी। उनकी कार्यशैली ऐसी थी कि वह सभी शिक्षकों को उत्साहित कर पूरे प्रखंड को, पूरे जिला में पहले नंबर पर ऐसी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मैंने अब तक नहीं देखा। और मैं चाहूँगा कि आगे भी जो है इन्हीं की तरह कर्मठ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आए। कस्बा इसी तरह लगातार शिक्षा के मामले में हमेशा प्रगति पथ पर उन्नत रहेगा। कहते हैं एक सरकारी कर्मी की सेवा का इतिहास उसे दी जाने वाली विदाई में दिखाई देती है। यूं तो मनुष्य महज एक प्राणी के रूप में धरती पर आता है, पर अपने कर्म हो कर्तव्यों के निर्वहन मानवतावादी गुणों के कारण सदैव लोगों के बीच यादों में समा जाते हैं। इसी कड़ी में कस्बा की प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी श्रीमती निभा पाल का नाम शिक्षा जगत में एक मील के पत्थर की मानिंद स्थापित हो गया है। श्रीमती पाल एक कर्मठ एवं कर्तव्यनिष्ठ पदाधिकारी के रूप में अपनी यादें छोड़
छोड़कर 31 जुलाई 2018 को सेवानिर्मित हो गई। श्रीमती पाल के सेवानिवृत्त के अवसर पर कस्बा के शिक्षक समाज द्वारा एक विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन उच्च विद्यालय कस्बा स्थित स्टेडियम में किया गया। भारी बारिश तथा खराब मौसम के बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं भींग कर भी इस कार्यक्रम में शरीक हुए। निभापाल शिक्षा विभाग पूर्णिया में क्या मुकाम हासिल की, इसका गवाह बना विदाई व सम्मान समारोह। अपने पदाधिकारी को विदाई देते समय कई शिक्षक है मंच पर ही रोने लगी। उस समय के दृश्य को देख कर सभी लोगों की आँखें भर आई। इसके लिए सभी शिक्षक, सभी बीआरपी, सभी सीआरसीसी, मेरा लेखापाल, सभी को धन्यवाद है। मैं चाहती हूँ आगे भी आप इसी तरह टीम वर्क करें और इस कस्बा का नाम आगे बढ़ाएं। हमारे इस काम के लिए जिला को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो हमारे काम को कभी भी कोई समय में कम हुआ, देरी हुआ, वो कभी हमको नहीं धुतकारे, हमको हमेशा इंकरेज करते रहे। और इसी बात के साथ आज हम आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। धन्यवाद। आपके साथ।